एक 8 साल की लड़की अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जा रही थी। बीच रास्ते में वो जब भी किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती तो डर कर अपनी माँ के पीछे छुप जाया करती या फिर अपनी माँ का हाथ जोरों से पकड़ लेती। जैसे तैसे कर वो माँ अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो लड़की जैसे ही वहाँ पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है तो वहाँ पर भी डर सी जाती है। लड़की की माँ पुलिस वालों को बताती है कि साहब पता नहीं ऐसी क्या बात है जिसके चलते मेरी बेटी जब भी किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है तो डर कर या तो मेरे पीछे छुप जाती हैं या फिर मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। पुलिस इस मामले की जड़ तक पहुंचती इससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होने लगता है। और दूसरी बात करें तो ये जो लड़की है, ये लड़की जिस मोहल्ले में रहती है, जिस एरिया में लड़की रहती है, उस एरिया में अधिकतर सभी के लगभग लगभग दाढ़ी है। चाहे किसी ने शौक से दाढ़ी रखी हो या किसी की मन्नत हो, चाहे वो बड़े घर का व्यक्ति हो चाहे गरीब घर का, अधिकतर लोगों के दाढ़ी है। आखिरकार ऐसी क्या बात थी जिसके चलते वो लड़की दाढ़ी वाले व्यक्तियों से इतना डर रही थी? आज इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की, यही सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है कानपुर, और कानपुर का ही एक मोहल्ला है जिसे गवाल टोली के नाम से जाना जाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2024 की शाम के करीब 7 से 7:30 बजे के आसपास का समय होगा। एक लड़की जिसकी उम्र 8 साल के आसपास, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल के आसपास होगी, अधिकतर लोग उसे प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से पुकारा करते थे। वो मौलाना नहीं था लेकिन 5 वक्त की वो नमाज पढ़ा करता था, इसलिए लोग अधिकतर उसे मौलाना ही पुकारते थे। मौलाना एक दुकान पर जाता है, दुकान से कुछ टॉफी वगैरह खरीदता है और फिर उस 8 साल की लड़की के पास आकर उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए उसे टॉफी दे देता है। लड़की टॉफी देखने के बाद बेहद खुश होती है और मौलाना उस लड़की से कहता है कि मेरे पास ये एक टॉफी ही नहीं बल्कि मेरे घर पर अगर तुम चलो तो मेरे पास बहुत सारी टॉफी वगैरह है। लड़की इस बात से खुश हो जाती है और मौलाना का हाथ पकड़कर उसके घर की तरफ रवाना हो जाती है। मौलाना उसे अपने घर पर लेकर जाता है, उसके रूम पर ले जाकर अंदर से कुंडी बंद करता है, साथ ही उस लड़की के बारी बारी से कपड़े उतारने लगता है। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये 70 साल का बुजुर्ग आदमी जिसने सिर पर टोपी लगाई हुई है, 70 साल इसकी उम्र है, साथ ही बड़ी बड़ी दाढ़ी है और इसकी एक आंख खराब भी है, आखिरकार उसके साथ करना क्या चाहता है। और फिर वो अपने भी कपड़े उतारने लगता है। बाद में जैसे ही वो लड़की के साथ कुछ गंदा करने की कोशिश करता है, इसी बीच मौलाना के मेन दरवाजे पर, जो घर का मेन दरवाजा होता है, उस पर मानो किसी ने जोर से लात मारी हो या जोर से धक्का दिया हो। मौलाना जब बाहर देखता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कुछ लोग आ रहे हैं। उनको आते देखकर मौलाना सजग हो जाता है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो लड़की भी हैरान परेशान हो जाती है। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि लड़की की जो उम्र थी वो भी लगभग 8 साल के आसपास थी। आप सभी समझते हैं कि 8 साल के बच्चों में इतना दिमाग, इतनी समझ नहीं होती है। इसके बाद लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो मौलाना को पीटना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ लोग उसी भीड़ में से नजदीकी पुलिस स्टेशन पर सूचना देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होने लगता है। अब इस वीडियो में जो भी कुछ था वो पुलिस वालों तक पहुंचता है और इस वीडियो को जिसने रिकॉर्ड करा था, पुलिस उनकी छानबीन करती है। अब पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करा था। पहले तो पुलिस उन्हें डांट पिलाती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक इतनी छोटी सी बच्ची जिसने अपने कपड़े उतारे हुए हैं और तुमने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी तरफ जैसे ही भीड़ मौलाना को पीट रही थी तो मौलाना अपने बचाव में लोगों से कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो लड़की है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल फोन चुरा लिया है, बस मैं तो वही देख रहा था। भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौलाना की बात पर यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मोबाइल फोन ढूंढना ही था तो इसके कपड़ों पर हाथ घुमाकर भी चेक कर सकते थे, इसके कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ वो जो वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो पर लोग दावा करते हुए कहते हैं कि साहब अगर ये वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं करते तो आज जो ये मौलाना है ये फिर आज एक ऐसी घटना को अंजाम देने जा रहा था जिस पर शायद आप यकीन भी नहीं कर पाते, क्योंकि यही लड़की नहीं बल्कि इस लड़की से पहले मौलाना ने 3 लड़कियों के साथ गंदा और घिनौना काम किया है और अच्छे से उस काम को अंजाम भी दिया है। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसी के चलते ये मौलाना हमेशा बच जाया करता था, लेकिन इस बार हमने सबूत जुटाने के लिए जो है उसका वीडियो बनाया
और फिर वही वीडियो हमने सबूत के लिए इस्तेमाल किया। अब इसके बाद पुलिस उस मौलाना को पकड़ पाती या उसे गिरफ्तार कर पाती इससे पहले ही मौलाना भीड़ को चकमा देकर कहीं फरार हो जाता है। अब बात करें इस मौलाना की और इसके घर की, तो घर की बात करें तो इस मौलाना के दो बेटे हैं, जिसमें जो बड़ा वाला बेटा है, बड़ा वाला बेटा मुंबई में रहकर नौकरी करता है, साथ ही जो छोटा वाला बेटा है, छोटा वाला बेटा घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था और उसकी जो पत्नी है वो अपने रिश्तेदारी में कुछ दवा वगैरह लेने गई थी। इसके अलावा उस समय घर पर उसकी पोती, उसकी बेटी और उसके बड़े बेटे की बहू मौजूद थी, जो कि ऊपर वाली मंजिल में थी, यानी जो सेकंड वाला जो फ्लोर था उस फ्लोर पर वो तीनों लेडीज़ मौजूद थी और नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था उस ग्राउंड फ्लोर में मौलाना घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश में था। इसके बाद मौलाना फरार हो जाता है और जो माँ थी वो माँ रात के करीब 9 बजे थाने पहुँचती है और थाने जाने के बाद उस मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करवाती हैं। इसके बाद उस FIR के तर्ज पर पुलिस उस मौलाना की छानबीन भी करती है, जहाँ जहाँ पर वो जाया करता था रिश्तेदारी वगैरह में, हर जगह पुलिस अपने हिसाब से उसकी छानबीन करती है और करीब 12 अगस्त 2024 को मौलाना को एक रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने फिलहाल मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट भी तैयार करी है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में जितने भी सबूत मिलेंगे उन सभी सबूतों को इकट्ठा कर मौलाना को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अब आगे चलकर इस मामले में क्या होता है, क्या नहीं होता है, मौलाना को सजा मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना है, इस घटना से एक सबक मिलता है कि जिस प्रकार तीन युवक जिन्होंने इस बात को समझते हुए कि मौलाना ने इस लड़की के साथ ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी और घटिया घटना को अंजाम दिया है, तो उसके चलते उन्होंने सजग होकर इस मौलाना के खिलाफ एक सबूत जुटाया और उसे पुलिस के हाथों तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उनका बारी बारी से धन्यवाद करता हूं। आप भी अपने एरिया में इसी तरह सजग रहें, लोगों पर हमेशा नजर रखें कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, चाहे वो उम्र दराज हो या फिर उसकी उम्र कम हो, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। बाकी दोस्तों, मैंने जो आपको ये घटना सुनाई, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क सावधान करना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें, साथ ही अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी इस तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना, सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।